हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित सिंह। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है ग्रीन किचन गार्डनर प्लांट पे। और मैं एक बार फिर आप लोग के लिए आ गया एक नए जानकारी के साथ। और आज फ्रेंड में हम लोग बात करने वाले हैं कि पॉट को कैसे रंगा जाए, मतलब अपने गमले को खुद से कैसे पेंट की जाए और उसके लिए कौन सा पेंट हम लोग के लिए बेस्ट है। तो आज हम बताने वाले हैं कि हम लोग की बेस्ट जो कलर है, ये देखिए, कलर से कोई नहीं मतलब है, कलर आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे पेंट जो है, पेंट आप लोग ये प्लास्टिक पेंट है और ये जब भी ले तो प्लास्टिक पेंट ले। उससे होता क्या है कि हमारे घर पे बारिश वगैरह गमला हरे दिखते थे, गमले देखेंगे तो छत पर रखे रहते हैं तो उसमें बारिश भी होती है, धूप वगैरह भी लगते हैं, तो उसके लिए प्लास्टिक पेंट बहुत ही बेस्ट है। देखिए मेरे पास गमले हैं, जितने भी गमले हैं मैं उनमें अधिकतर प्लास्टिक की पेंट यूज करता हूँ। ये देखिए दो गमले हैं, एक है ग्रीन कलर का और एक ये है क्रीम कलर का, ग्रीन और एक क्रीम कलर का है। इसमें मैंने प्लास्टिक पेंट यूज किया हुआ है। और इधर भी देखिए एक ये ब्लू कलर का ये जो पेंट लगा हुआ है इसमें भी प्लास्टिक पेंट का यूज हुआ है। और मेरे घर में जितने भी गमले हैं ये सब मैंने खुद से पेंट किए हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार आप लोग को वीडियो बना के शेयर किया जाए। तो आज हम बताने वाले कि कैसे पेंट की जाए और कैसे कौन से पेंट से की जाए। पेंट तो फ्रेंड्स हम लोग बता दिए कि प्लास्टिक पेंट से किया जाए, और सिर्फ प्लास्टिक पेंट आपके पास ना हो तो और भी कुछ कोई पेंट से आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स पेंट करने की सबसे अच्छी तरीका ये होता है, पहले तो ये जो है आप एक ब्रश ले लें, ब्रश से इसको थोड़ा सा हिला दें इसको ताकि ये अच्छे से हो जाए। और जब भी पेंट किए करें आप तो आप उसको ऐसे तिखा कर ले, तिखा करके फिर उसके ऊपर आप आराम से आप अपना पेंट जो है कर सकते हैं, जिस तरह की मैं कर रहा हूँ। और ये पेंट दोस्तों, ये पेंट जो है आप सीमेंट वाले गमले पर भी कर सकते हैं और मिट्टी वाले गमले पर भी कर सकते हैं। देखिए अब देख रहे हैं, ऐसे आप करने के बाद इसको एक दिन के लिए छोड़ दें, एक दिन के लिए आप छोड़ दें, एक दिन छोड़ने के बाद ये आपको इस तरह का कलर मिल जाएगा। देखिए एक ये है और एक ये है, ये पॉट देखिए दोस्तों मैंने ली थी। इसमें अभी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि एडेनम प्लांट को बॉन्साई कैसे बनाएं और बॉन्साई पॉट क्या होता है। तो ये देखिए आप देख रहे हो ऊपर वाला, यही है बॉन्साई पॉट। और इसमें मैं एडिनम प्लांट रिपोर्ट करने वाला हूँ अगले वीडियो में बताऊँगा। अभी आने वाले कुछ दिनों में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि मैं एडिनम को रिपोर्ट कैसे करूँ। तो दोस्तों अभी तक आपने लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।